एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं चवेरोडा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप लोग सब घर पर सेफ होंगे, प्रिकॉशंस ले रहे होंगे। बेटा, मेरे को कुछ दिनों से क्वेरीज आ रही थी काफ़ी स्टूडेंट की, जो बच्चों ने अभी 12th क्लास के अपने एग्जाम दिए हैं, वो बच्चे ये जानना चाह रहे थे कि सर अब आफ्टर 12th हमारे लिए करियर वाइज क्या क्या स्कोप ओपन हो जाता है इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स, ठीक है। और मेरे को उन स्टूडेंट की भी बहुत क्वेरीज आ रही थी जिन्होंने अभी अपने 10th के एग्जाम दिए, उनका रिजल्ट अभी अवेटेड है, और वो ये जानना चाह रहे थे कि सर अगर हम 11th क्लास में अपना कॉमर्स स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं तो फिर 12th के बाद हमारे लिए करियर ऑप्शंस क्या क्या ओपन हो जाते हैं। तो आज ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूं कि आप लोगों को स्कोप ऑफ कॉमर्स के बारे में पूरी जानकारी मिले कि 12th क्लास के बाद आप लोगों के लिए करियर ऑप्शन क्या क्या ओपन हो जाते हैं। देखिए बेटा, वैसे तो 11th क्लास में आप लोगों के पास चूज करने के लिए तीन मेन फील्ड होती है, कॉमर्स फील्ड, साइंस फील्ड और ह्यूमैनिटीज फील्ड। और तीनों ही फील्ड का अपना अलग अलग बहुत अच्छा ऑप्शन होता है करियर का, लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ कॉमर्स फील्ड के बारे में ही बात करने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं, और आप लोग देखिए वीडियो पूरा लास्ट तक देखेगा, आपको पूरा स्कोप कॉमर्स का इस वीडियो में पता चलेगा कि 12th के बाद आपके पास कॉमर्स के क्या क्या करियर ऑप्शन होते हैं। चलिए तो देखिए, जब आप कॉमर्स स्ट्रीम अपनी सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन हो जाता है। देखो बेटा, 11th 12th में जब आपने कॉमर्स पढ़ा है तो उसके बाद पहले जो सबसे बड़े कोर्सेस हैं, मैं उनके बारे में बात करता हूं, अकाउंटेंसी प्रोफेशन का सबसे बड़ा जो कोर्स होता है वो होता है आपका सीए। सीए की फुल फॉर्म होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये सीए का कोर्स कैसे होता है और इसका क्या आगे स्कोप होता है, ध्यान से समझिए। आपने 11th 12th अगर कॉमर्स स्ट्रीम से करी है तो अगर आप सीए में परस्यू करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली 12th के बाद उसमें एनरोल कर सकते हैं। उसमें तीन स्टेज होती है। सबसे पहले आता है आपका फाउंडेशन एग्जाम, जो एक तरीके से एंट्रेंस की तरह होता है। उसके बाद आपका इंटरमीडिएट एग्जाम होता है और उसके बाद आता है फाइनल एग्जाम। इसमें जो ड्यूरेशन है वो मिनिमम आपकी 4.5 से 5 साल आपको लगते हैं, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा सा ये टफ कोर्स है तो इसमें एक दो अटेम्प्ट आपके अगर फालतू भी मान के चले तो मैक्सिमम 6 साल 6.5 साल में लगभग हो जाता है ये। तो मिनिमम आप 4.5 साल में भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं अच्छे से, अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे ग्रुप आपने क्लियर करे हैं। मैक्सिमम आपको 6.5 साल में ये क्लियर हो जाता है अगर आपने ठीक से स्टडी करी है, क्योंकि ये इंडिया का सबसे टफेस्ट कोर्स भी माना जाता है, तो इसमें पढ़ना बहुत पड़ता है, लेकिन इसका स्कोप बहुत अच्छा है आगे। अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स का सबसे बड़ा कोर्स है और आगे इसका स्कोप इतना है कि आपको जॉब्स ढूंढने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप एक बार सीए बन गए हो तो आप घर पर अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस मतलब जैसे डॉक्टर अपनी क्लिनिक खोल लेता है, लॉयर्स अपने चैंबर्स खोलते हैं, ऐसे आप भी अपना ऑफिस खोलकर घर से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब घर से ही अपना काम कर सकते हैं। क्लाइंट्स आते हैं आपके पास अपनी रिटर्न फाइल कराने और ऑडिटिंग के लिए, ठीक है। दूसरा, आप इसमें आप अपने जॉब में भी जा सकते हैं। कंपनीज में सीएस की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, उनको अपने फाइनेंस फील्ड में सीएस की बहुत रिक्वायरमेंट होती है अकाउंटिंग के लिए, तो सीए वहां पर आप जॉब भी कर सकते हैं अगर आपने सीए करी, और बहुत अच्छे पैकेज पर आपको जॉब मिल जाती है, ठीक है। दूसरा आपके पास आता है ऑप्शन सीएस, और तीसरा ऑप्शन आपके पास आता है सीएमए। ये तीन जो है प्रोफेशनल कोर्सेस है फाइनेंस प्रोफेशनल्स के। तो अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, 11th 12th में अगर किसी बच्चे ने अकाउंटेंसी पढ़ी, 11th 12th में मेन जो आपके सिलेबस में मेन सब्जेक्ट जो आते हैं फाइनेंस से रिलेटेड या अकाउंटिंग से रिलेटेड या कॉमर्स से रिलेटेड, वो होते हैं अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। ये तीन मेन सब्जेक्ट होते हैं। कुछ स्कूल में एंटरप्रेन्योरशिप भी पढ़ाया जाता है, वो भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन मेन जो मैं बात करूं वो बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी की मैं बात कर रहा हूं। तो इन तीनों को जब आप पढ़ते हैं 11th 12th में तो आपको एक चीज समझ में आती है कि अगर आपका अकाउंटेंसी में बहुत अच्छा इंटरेस्ट बन रहा है, यानी कि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं अच्छे से, तो आप सीए या सीएम में करने का सोचें, क्योंकि इन कोर्स में आपको न्यूमेरिकल पोर्शंस ज्यादा करने को मिलते हैं आगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपका थ्योरी में ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप सीएस की तरफ जा सकते हैं। सीएस होता है कंपनी सेक्रेटरी, ये एक तरीके का कंपनी का लॉयर होता है। यहां पर हमें कंपनीज के लॉ पढ़ाए जाते हैं बहुत सारे, और कंपनी को आगे क्या क्या अपनी फॉर्मेलिटीज निभानी है, क्या क्या फॉर्म्स वगैरह भरने और क्या क्या डिसीजन लेने, ये सारा कंपनी सेक्रेटरी के अंडर होता है, ठीक है। और आगे अगला कोर्स आता है आपका सीएमए, ये होता है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इसमें आपको किसी भी प्रोडक्ट की, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो कोई भी प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं तो उनका क्या कॉस्ट उस प्रोडक्ट का बैठेगा, ये आपको डिटरमाइन करना होता है इस कोर्स में। तो तीनों ही बहुत अच्छे कोर्स हैं। सबसे ज्यादा स्कोप अगर मैं कहूं तो सीए का है, हालांकि सीएस का भी और सीएमए का भी उतना ही स्कोप है, बट एक सबसे बड़ा प्रोफेशन एक तरीके से सीए माना जाता है तीनों में, ठीक है। तो सीएस
अगर आपका थ्योरी सब्जेक्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है तो आपको ज्यादा लॉ पढ़ने को मिलेंगे, तो वो आप सीएस कर सकते हैं, और अगर आपका न्यूमेरिकल में इंटरेस्ट है तो आप सीए या सीएमए में से कुछ भी चूज कर सकते हैं। इसके आगे बहुत अच्छी आपको फील्ड मिलती है, बहुत अच्छी आपको जॉब भी मिलती है, और तीनों ही कोर्स में आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अपनी खुद की क्लिनिक या अपना ऑफिस खोलकर। ठीक है, अगला आपके पास स्कोप आ जाता है, अगर आप इतने बड़े कोर्स नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि सर ये थोड़ा टफ है और क्योंकि इंडिया के टफेस्ट कोर्स में इनका नाम आता है तो शायद मेरे पे ना हो पाए, तो आपके पास इनके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। क्या दूसरा, बीकॉम, आप एक सिंपल ग्रेजुएशन कर सकते हैं बीकॉम करके और उसके बाद अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं एमकॉम करके, या फिर आपको एमबीए भी एक प्रोफेशनल कोर्स है जो आप बीकॉम करने के बाद भी कर सकते हैं। पहले मैं एमबीए की तरफ आता हूं, अगर आपको अपना एमबीए करना है, होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें क्या होता है बेटा, आपको आगे मैनेजर्स की जॉब मिल जाती है। ठीक है, एमबीए में बहुत अलग अलग तरीके की फील्ड होती है, जैसे कि अगर एमबीए की मैं बात करूं तो फाइनेंस फील्ड से आप एमबीए कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स फील्ड से आप एमबीए कर सकते हैं, और मार्केटिंग फील्ड से आप एमबीए कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स आपकी होती है, आईटी में भी एमबीए आप कर सकते हैं, ठीक है, बैंकिंग फील्ड में भी एमबीए कर सकते हैं। तो इसमें फायदा क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल फाइनेंस फील्ड से आपने एमबीए करा तो आप फाइनेंस मैनेजर बन सकते हैं किसी भी कंपनी में, आपने ह्यूमन रिसोर्स फील्ड से करा, एचआर फील्ड से करा तो आप ह्यूमन रिसोर्स में मैनेजर बन सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट मैनेजर बन सकते हैं अगर आपने मार्केटिंग से एमबीए किया है अपना। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा एमबीए भी एक बहुत अच्छा आपके पास ऑप्शन आता है, लेकिन ये ऑप्शन कारीगर तब साबित होता है, एक अच्छा ऑप्शन तब बनता है जब आप एमबीए किसी अच्छी जगह से कर रहे हैं, जैसे कि साइंस फील्ड के लिए आईआईटीज होते हैं, ऐसे ही कॉमर्स फील्ड में एमबीए करने के लिए आईआईएम एक सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट्स माने जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है इनका, और वो एंट्रेंस एग्जाम अगर आपका क्लियर होता है और आईआईएम में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वहां से आप अगर एमबीए करते हैं तो आपको बहुत अच्छा आगे पैकेज जाता है और बहुत अच्छा इसका स्कोप है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर आप एमबीए कर रहे हैं तो आप बीकॉम करके भी एमबीए कर सकते हैं और बीबीए करके भी एमबीए कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर बीकॉम करके करना चाहिए या बीबीए करके करना चाहिए। बेटा अगर आप फाइनेंस से एमबीए करना चाहते हैं तो मेरा तो आपको यह सजेशन रहेगा कि आप बीकॉम करके एमबीए करें, क्योंकि फाइनेंस की बहुत सारी चीजें आप ऑलरेडी बीकॉम में पढ़ चुके होते हो। लेकिन अगर आप एचआर या मार्केटिंग से एमबीए करना चाहते हैं तो आप बीबीए करके एमबीए करें, क्योंकि ऑलरेडी एमबीए के बहुत सारा पोर्शन फिर आप बीबीए में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो एमबीए आपको अगर करना है तो अच्छी जगह से, अच्छे इंस्टीट्यूट से आपको करना होगा, तब आपका बहुत अच्छा आगे स्कोप बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप बीकॉम करके एमकॉम कर सकते हो। सिंपल, अगर आप अकाउंटेंट आपको बनना है किसी भी कंपनी में तो आप बीकॉम एमकॉम करके किसी भी कंपनी में एक सिंपल अकाउंटेंट की जॉब भी कर सकते हैं। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? इसके अलावा एक स्कोप मैंने यहां लिखा नहीं, आप बीकॉम करके एमबीए या बीबीए में से कुछ भी कर रहे हैं तो इसके बाद अगर आपको कहीं टीचर बनना है तो आप इसमें बीएड करके टीचर टीचिंग का स्कोप आपका खुल जाता है यहां पर, या फिर आप नेट क्वालिफाई करके अपना पीएचडी आगे एनरोल करें और आप किसी भी कॉलेज में एक प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपका यह भी ऑप्शन आपको खुल जाता है टीचिंग या प्रोफेसरशिप के लिए। ओके, यू आर गेटिंग माय पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपका अगला पोर्शन बीबीए और एमबीए के लिए मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा आपका अगला आता है एलएलबी, अगर आपको लॉयर बनना है। देखिए, आपने देखा होगा लॉयर्स का भी बहुत स्कोप है। अच्छा, लॉयर्स भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं क्रिमिनल लॉयर, एक होते हैं सिविल लॉयर। क्रिमिनल लॉयर जो है वो क्रिमिनल्स की लॉ के बारे में पढ़ते हैं और वो क्रिमिनल के केसेस को डील करते हैं। ठीक है, जैसे कि मर्डर केस हो गया, ठीक है, कोई चोरी का केस हो गया, इस तरीके के जो केसेस होते हैं। ठीक है, और दूसरे होते हैं आपके सिविल लॉयर, जो कि सिविल लॉ के बारे में बात करते हैं। सिविल लॉ मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड होता है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी से रिलेटेड लॉ, टैक्स से रिलेटेड लॉ, तो उस तरीके के लॉयर आप बन सकते हैं एलएलबी करके। दोनों में से किसी भी तरीके के लॉयर आप बन सकते हैं। एलएलबी आपका ग्रेजुएशन के बाद होता है, आप बीकॉम करके एलएलबी कर सकते हैं, आप बीए करके भी एलएलबी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एलएलबी वैसे तो 3 साल की होती है, 3 साल की ग्रेजुएशन होती है, बट एलएलबी आप अगर कंबाइन कोर्स कर रहे हैं, आपको एलएलबी ही करना है, तो आप बीए प्लस एलएलबी या बीकॉम प्लस एलएलबी इस कोर्स को चूज कर सकते हैं, जिसमें अगर आप अलग अलग कर रहे हैं कि बीकॉम आपने करी तो 3 साल बीकॉम में लगेगी, फिर आपने एलएलबी करी तो 3 साल एलएलबी में लगेगी, यानी कि 6 ईयर्स आपके हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये कंबाइन कोर्स चूज करते हैं तो आपको बीए प्लस एलएलबी या बीकॉम प्लस एलएलबी अगर आप करेंगे तो 5 ईयर्स में आपकी एलएलबी कंप्लीट हो जाएगी, आपका 1 ईयर पर सेव हो जाएगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? चलिए
मैं आपको एडवाइस करूंगा कि एनएलबी के लिए भी आप अच्छी यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम दें और एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करें, ठीक है। काफी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इवन आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी अगर आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो वहां से भी एनएलबी का बहुत अच्छा स्कोप है। वहां से अगर आप लॉयर बनते हैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से तो आपको बहुत अच्छा आगे स्कोप उसमें मिलेगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। लॉयर बनने के बाद भी आप लोगों के पास एक ऑप्शन होता है कि आप या तो कहीं कंपनी में जॉब भी कर सकते हैं, ठीक है, और या फिर आप उसके अलावा आप अपनी खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अपना ऑफिस बनाकर आप लॉयर का काम उसमें कर सकते हैं। केसेस आपके पास आएंगे, क्लाइंट्स आपके पास आपके ऑफिस में आएंगे। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। कंपनी में अगर जॉब करनी है तो बेसिकली सिविल लॉ पढ़कर आपको ज्यादातर जॉब्स मिलती हैं, ठीक है। क्रिमिनल लॉ में कंपनीज में जॉब करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, आप बेसिकली क्रिमिनल लॉयर बनकर आप अपनी प्रैक्टिस ही कर पाएंगे, ठीक है। आगे LLB करके अगर आप LLM और कर लेते हैं तो आप सीनियर लॉयर की पोजीशन में आ जाते हैं, आप सीनियर लॉयर बन जाते हैं। और आजकल जो बहुत स्कोप चल रहा है एक चीज का, वो ये कि LLB LLM करके बच्चा PCS जे, ये होता है PCS जुडिशियल, इसका एग्जाम आप देते हैं। तो LLM LLB कंप्लीट करकर अगर आपका PCS का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आप सीधा जज की पोजीशन पर भी जा सकते हैं। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो कॉमर्स के बाद इन चीजों में बहुत अच्छा आपका स्कोप बनता है, बहुत सारी फील्ड्स कॉमर्स के बाद निकलती हैं। और एक आखिरी ऑप्शन जो मैं आपको बताता हूं, जो हर फील्ड के बाद हर स्टूडेंट के लिए ओपन होता है, कि अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं, हमारे यहां कॉमर्स में ग्रेजुएशन बेसिकली बीकॉम या बीबीए होती है, तो कोई भी ग्रेजुएशन करके आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप बैंक के पीओ के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं या एसएससी की तैयारी आप कर सकते हैं। ये तो खैर हर कोर्स के, हर स्ट्रीम के ग्रेजुएशन के बाद आपके पास ये ऑप्शन खुला रहता है, तो हमारे कॉमर्स के बाद भी ऑप्शन आपके पास खुला रहता है। तो ऐसा नहीं है कि कॉमर्स अगर आपने लिए तो, बहुत सारे स्टूडेंट की ये गलतफहमी होती है कि सर हम सिर्फ CA CS या CM में ही कर पाएंगे, नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्स होते हैं। अगर आप टफेस्ट कोर्स नहीं चूज करना चाहते, इसके अलावा अदर कोर्सेस भी आप चूज करें, लेकिन मैं एडवाइस ये करूंगा कि ये कोर्सेस बहुत अच्छे हैं, आपका करियर बहुत अच्छा बना सकते हैं, इसीलिए ये कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, ठीक है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलिए, थैंक यू सो मच।